फेमिनिस्ट गिव्स, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं 10 की 10 तक। जी हां दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हमारे इस स्पेशल क्राइम प्रोग्राम में हम आपको सबक बने रहने की, सजग बने रहने की नसीहत देते हैं। हम आपको बताते हैं कैसे आपको अपने आप को और अपने परिवार को लोगों से सुरक्षित रखना है, उनको लोगों से बचा कर रखना है। आज के कलयुग में जो चीज़ें चल रही हैं उससे उन्हें सुरक्षित रखना है। देखते हैं क्या है आज का मामला। महाराष्ट्र में दिल दहला देने वाला मामला। जी हां, पीड़िता की इच्छा के खिलाफ गर्भपात, गर्भ को काटकर बच्चे के टुकड़े को बाहर निकाला। पीड़िता बार बार विरोध करती रही मगर उस डॉक्टर ने बुखार का इंजेक्शन बताकर दिए हुए गर्भपात के इंजेक्शन से पीड़िता को पेट दर्द होने लगा। यह दर्द इतना ज्यादा था कि उस डॉक्टर ने पीड़िता का गर्भ ही काट दिया। महाराष्ट्र के बीड के परली तहसील में दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। एक गर्भवती महिला की इच्छा न होने पर भी उसके पति, सास और निर्दयी डॉक्टर ने मिलकर इस पीड़ित महिला का गर्भपात करा दिया। इतना ही नहीं, डॉक्टर ने गर्भ काटकर बच्चे के टुकड़े अलग कर उसे बाहर निकाला। बीट के परली में रहने वाली पीड़ित महिला की अंकुश वाघमोड़े के साथ कोविड लॉकडाउन के दौरान 2020 में शादी हुई थी। इस शादी के बाद एक लड़की का जन्म हुआ, लेकिन जब पीड़ित महिला दूसरी बार गर्भवती थी तब उसके ससुराल को लड़की की बजाय लड़का चाहिए था। यह मांग उसके पति और सास की थी। इसके चलते पति अंकुश वाघमोड़े और महिला की सास श्याम वाघमोड़े ने एक तथाकथित डॉक्टर स्वामी से मिलकर उस पीड़ित महिला को अपने ही घर पर जबरन सोनोग्राफी कराई। पर उसमें जब पता चला कि गर्भ में जो भ्रूण है वह कन्या ही है, तब सास, पति और डॉक्टर स्वामी ने बुखार का इंजेक्शन बताकर उस पीड़िता को गर्भपात का इंजेक्शन दे दिया। पीड़िता बार बार विरोध करती रही मगर उस डॉक्टर ने बुखार का इंजेक्शन बताकर दिए हुए गर्भपात के इंजेक्शन से पीड़िता को पेट दर्द होने लगा। यह दर्द इतना ज्यादा था कि उस डॉक्टर ने पीड़िता का गर्भ ही काट दिया और भ्रूण बच्ची के 3 टुकड़े कर उसे बाहर निकाल दिया। देखा दोस्तों, किस तरह एक सास और एक पति ने दिल दहला देने वाली घटना अपनी ही बहू, अपनी ही पत्नी के साथ कर डाली। आज भी हमारे समाज में बच्ची के जन्म को, कन्या जन्म को, बेटी के होने से आज भी नफरत की जाती है। आज भी बच्चियों को अभिशाप माना जाता है। जहाँ हम कन्या पूजन करते हैं वहीं बच्चियों की इस तरह से आज भी हमारे समाज में हत्या हो रही है। आज भी निम्न मानसिकता के लोग इस तरह की दिल दहला देने वाली घटनाएं अपने ही परिवार में, अपने ही लोगों के बीच में कर देते हैं। आज भी हमारा कानून इस व्यवस्था पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर रहा है। अब जरूरत है समाज को बदलने की, लोगों की मानसिकता को बदलने की। महाराष्ट्र में दिल दहला देने वाला मामला। पीड़िता की इच्छा के खिलाफ गर्भपात, गर्भ को काटकर बच्चे के टुकड़े को बाहर निकाला। पीड़िता बार बार विरोध करती रही मगर उस डॉक्टर ने बुखार का इंजेक्शन बताकर दिए हुए गर्भपात के इंजेक्शन से पीड़िता को पेट दर्द होने लगा। यह दर्द इतना ज्यादा था कि उस डॉक्टर ने पीड़िता का गर्भ ही काट दिया। महाराष्ट्र के बीड के परली तहसील में दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। एक गर्भवती महिला की इच्छा न होने पर भी उसके पति, सास और निर्दयी डॉक्टर ने मिलकर इस पीड़ित महिला का गर्भपात करा दिया। इतना ही नहीं, डॉक्टर ने गर्भ काटकर बच्चे के टुकड़े अलग अलग कर उसे बाहर निकाला। बीड के परली में रहने वाली पीड़ित महिला की अंकुश बागमोड़े के साथ कोविड लॉकडाउन के दौरान 2020 में शादी हुई। इस शादी के बाद एक लड़की का जन्म हुआ, लेकिन जब पीड़ित महिला दूसरी बार गर्भवती थी तब उसके ससुराल को लड़की की बजाय लड़का चाहिए था। यह मांग उसके पति और सास की थी। इसके चलते पति अंकुश बागमोड़े और महिला की सास छाया बागमोड़े ने एक तथाकथित डॉक्टर स्वामी से मिलकर उस पीड़ित महिला की अपने ही घर पर जबरन सोनोग्राफी कराई। जब उससे पता चला कि गर्भ में जो भ्रूण है वो कन्या है, तब सास और पति और डॉक्टर स्वामी ने बुखार का इंजेक्शन बताकर उस पीड़िता को गर्भपात का इंजेक्शन दे दिया। पीड़िता बार बार विरोध करती रही मगर उस डॉक्टर ने बुखार का इंजेक्शन बताकर दिए हुए गर्भपात के इंजेक्शन से पीड़िता को पेट दर्द होने लगा। यह दर्द इतना ज्यादा था कि उस डॉक्टर ने पीड़िता के गर्भ को ही काट दिया और भ्रूण बच्ची के 3 टुकड़े कर उसे बाहर निकाल दिया। इसके चलते पीड़ित महिला की शिकायत पर महिला के आरोपी पति अंकुश नारायण बागमोड़े, सास छाया बागमोड़े, डॉक्टर स्वामी और प्रकाश कावले, इन चारों पर
परली के संभाजी नगर पुलिस थाने में विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज कराई गई है और चारों की गिरफ्तारी भी की गई है। चारों को कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा है। परली पुलिस यह पता लगा रही है कि आरोपी डॉक्टर स्वामी ने अब तक इस गर्भपात केंद्र के जरिए कितने भ्रूण हत्याएं की हैं। आरोपी डॉक्टर के बारे में ये भी जांच में पता चला है कि डॉक्टर पहले सोलापुर में कंपाउंडर हुआ करता था और भ्रूण हत्या के सोलापुर में भी उसके खिलाफ कई केस दर्ज हैं और वह जेल भी रहकर आया है। आज की खास खबरों को यहीं विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए MNS न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं।